Dear students, welcome back to my channel Alps Academy. How are you? I hope all of you are in good health. And today we have to start the chapter of double E. आज हमें double E का sound start करना है. Sound of vowel A has been completed. Vowel A का sound हमारा पूरा हो चुका है. और हमने last clip के अंदर E का sound बताया था. E का एक short sound होता है और एक long sound होता है. E का जो short sound है वो हम पढ़ा चुके हैं. अब हमें डबल ई का साउंड बताना है जो ई का लॉन्ग साउंड है. देखिए, नाउ लुक एट द वर्ड. हमने लिखा भी है साउंड ऑफ वोवेल ई का साउंड, लॉन्ग ई साउंड. यानी कि लॉन्ग ई, ये लॉन्ग ई साउंड क्या होता है? जब ई दो बार आता है जरा डबल ई, ठीक है. हमने आगे भी लिखा और ई और ए, तो इनका जो साउंड है वो हमारा लॉन्ग रहता है. यानी कि बड़ी ई की मात्रा आती है एक तरीके से, बड़ी ई जैसे लिखते हैं ना इधर, देखिए ये साउंड हमारा रहता है बड़ी ई का. हम इसे कुछ वर्ड लेते हैं एग्जांपल के लिए ताकि हमारे समझ में आ जाए कि हमारा मेन जो फोकस है अभी वो साउंड के ऊपर है, हमें पढ़ना अच्छी तरीके से आ जाए. जैसे हमने बी का वर्ड लिया बा, ये हमने लिखा डबल ई, तो डबल ई जो है वो ये साउंड अपना बा में देगा, बा डबल ई, तो ये हमारा हो जाएगा बी. क्या हो जाएगा? बी, मधुमक्खी, ठीक है. इस तरीके से अगर हम आगे और वर्ड लें, जैसे हमने लिया एल, ला, डबल ई, तो क्या होगा हमारा? ली. इस तरीके से हमने एस में लिया सा, ये सा का साउंड है, ये डबल ई, सा में चले गया तो सा बड़ी ई, क्या हो गया हमारा? सी हो गया. तो डबल ई का साउंड खींचेगा नीचे की तरफ, थोड़ा लॉन्ग साउंड है हमारा ये. जैसे कि जेड, डबल ई, जी, जी लिखते ना, जी न्यूज, जैसे कि जी, इस तरीके से हमारा है. ओके, अब इसी में हम वर्ड आगे और बढ़ाते रहेंगे. जैसे हमने बी डबल ई, बी है हमारा, हमने इसमें लिखा बी डबल ई, हमने इसमें लगा दिया टा, तो ब डबल ई बी टा, तो क्या हो गया हमारा ये? बीट. ये हमारा डबल ई का साउंड आगे आ जाएगा. जैसे हमने डा, डी, डबल ई, डबल ई को डी में मिलाया, डा हो गया, डा बड़ी, डी पा, डबल ई जो है वो साउंड डी में गया, डी पा, डीप, इस तरीके से हमारा साउंड आएगा. जैसे कि हमने एफ, फा, डबल ई, हमने इसमें डी लगाया, फा डबल ई, फीड, इस तरीके से हमने ये कॉन्सोनेंट हम चेंज करते रहेंगे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. हमने यहाँ पे डी हटा दिया, वा लगाया यानी कि एम, तो ये डबल ई जो है ये फा में गया, फा डबल ई फी, जैसे ये हो गया फी, हमने इसमें ला लगाया तो क्या हो गया हमारा ये? यस, फील. क्या हो गया? फील. इस तरह के साउंड हमारे इसमें आएंगे. जैसे कि हमने जा, ये डबल ई पा, यस, तो क्या हो गया? जीप, जीप. इस तरीके से का, का डबल ई, डबल ई बड़ी की मात्रा, की, हमने लिखा ना, तो क्या हो गया? कीन. इस तरीके से साउंड आएगा, इस तरीके से हमारा कीन. जैसे कि हमने लिखा मा, एम, डबल ई, तो क्या हो गया? टा, टी यानी कि टा, मीट, मीट, ना, एन, डबल ई, डबल ई बड़ी की मात्रा, ना में गई, नी, मा, नीम, मीट, नीम. इस तरीके से हमारा साउंड जो है इसमें आगे बनते रहेंगे. हमने सब साउंड बनाने, हमने इस तरीके से लिखा लीम, हमने एल हटाया, कुछ और कॉन्सोनेंट लगा दिया, इस तरीके से मा हटाया, कुछ और लगा दिया, तो हमारे वर्ड बनते रहेंगे. जैसे कि ये सी है, हमने क्या करा इसमें? हमने एन लगाया, सीन. अब हमने एन हटा दिया, एम लगा दिया, मा, देखें तो क्या हो गया? सीम. इस तरीके से हमें वर्ड की प्रैक्टिस करनी है. कभी कभार क्या होता है हमारा कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमारे जो है दो कॉन्सोनेंट होते हैं, या फिर जैसे के एच, हमने आपको बताया था कि एच के लगाने से लेटर का साउंड बदलता है. खा, अब खा का वर्ड कोई है तो नहीं लेटर इसमें, तो के एच खा हो गया. डबल ई लगाया हमने तो खी, हमने रा लगाया तो क्या बन गया? खीर. इस तरीके से हमारे साउंड आगे बनते रहेंगे. जैसे हमने एस एच, ये शाह हो गया, ठीक है, क्या हो गया हमारा वर्ड? यह शाह में डबल लगाया हमने, शीन, क्या हो जाएगा? शीन वर्ड हो जाएगा हमारे इस तरीके से. तो इस तरीके से हम इसमें जो है साउंड आगे हमारे बनते रहेंगे. जैसे कि ये टी एच है हमारा, था,
यस थीम क्या जाएगा, थीम, थीम कैसे अलग भी होती है वो एक अलग है, ठीक है थीम। अब जैसे कि बा लगा दिया हमने, भीम, हमें यहां पर अपने साउंड क्लियर करने हैं, यानी कि सर ये वर्ड तो इंग्लिश में है नहीं, अभी हमें इस पर फोकस नहीं है, हमारा फोकस है कि हमें जो है अपने साउंड क्लियर करने हैं, तो हमारा साउंड जो है क्लियर होना चाहिए। देखिए अब जैसे कि हमने एफ एल डबल ई क्या पढ़ेंगे इसको, फिली। अब दो कॉन्सोनेंट शुरू में है, ये एफ और एल, फाला, ये आपस में नहीं मिल सकते, तो हमने आपको बता रखा है जब दो कॉन्सोनेंट हो तो जिस कॉन्सोनेंट के बाद हमारा वोवेल होता है तो वो वोवेल का साउंड उससे पहले वाले कॉन्सोनेंट के अंदर चला जाता है। जैसे डबल ई का साउंड एल में चला गया तो ली हो गया। अब एफ को हम क्या पढ़े, एफ को क्या पढ़े, तो मैंने आपको बताया था जब दो कॉन्सोनेंट होते हैं तो शुरू वाला जो कॉन्सोनेंट है उसमें हल्का सा ई का साउंड, एफ का फी, फिली, क्या हो गया फिली, फिली, इस तरीके से रा लगाया हमने, फ्री, डबल ई का साउंड, ता लगा दिया तो क्या हो गया हमारा, यस ट्री, क्या होगा ट्री। तो इस तरीके से हमारे वर्ड जैसे कि हमने टी और एच, ये था हो गया, क्या बोलेंगे इसको थ्री, काउंटिंग में लिखते हैं ना, तो ये हमारा डबल ई का साउंड है हमारा थ्री। अब कई बार ऐसा होता है हमारा के डबल ई आता है लेकिन अलग अलग होते हैं कि एक वर्ड में दो बार होता है डबल ई, जब इस तरीके से होगा तो वहां लॉन्ग साउंड ही बनेगा। देखिए जैसे कि क्या लिखा हुआ, इसमें दो बार ही आ रहा है ना लेकिन एक साथ नहीं आ रहा, वर्ड में अलग अलग है, तो शॉर्ट साउंड, शॉर्ट साउंड में आपको बताया था कि छोट ये जो ई है छोटा ए का साउंड करेगा, सेवन, देखिए ना ये सेवन, इस तरीके से एस ई जो है वो ए का, से का काम करेगा, लेकिन कई जगह ऐसा होता है जैसे मिसाल के तौर पर देखिए आप, दो बार ई आ रहा है इसमें लेकिन अलग अलग आ रहा है, अब लास्ट का ई तो हमारा यहां पे जो है वो साइलेंट हो गया, तो ये हमारा टी एन एस ई क्या हो गया, टेंस, क्या कहलाएगा ये हमारा टेंस कहलाएगा, टेंस। और भी वर्ड इसमें बना सकते हैं जैसे कि सा लगाया आपने, सेंस, ठीक है, ला इसी कर दिया, लेंस, हा लिखा आपने, हैंस, अब यहां साउंड बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया, हैंस, छोटे ए का साउंड आ गया, छोटे ए का, जैसे मतलब इस तरीके से देखिए ये आप समझ में आएगा क्लियर, ये क्या लिखा मैंने आपको, सा छोटे का मतलब ना सा सेंस, ये अलग है लेकिन दो ही आ रहे हैं, अलग अलग आ रहा है अलग अलग वर्ड के अंदर, अगर ये हमारे एक साथ आ जाएंगे तो हमारी आवाज थोड़ी खिंच जाएगी, लॉन्ग साउंड हो जाएगी, प्रैक्टिस कर रही है हमें, वर्ड तो बहुत सारे बन जाएंगे इसके अंदर हमारे, जैसे कि हम लिख दें टीथ, ये हो गया हमारा, ये था हो गया, डबल ई का साउंड टा में चला गया, टा डबल ई टी, टी एच फिर टीथ, इस तरह बनते रहेंगे बहुत सारे वर्ड हमारे, जैसे ग्रीन, ब्लीड, ब्रीड, कुछ भी लिख दिया आप, जैसे कि ये आपका ग्रीन, अब ये रीन हो गया, गा, जी हमारा गागा भी काम करता है, जी हमारा जागा भी काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बाद में बताएंगे, छोटी क्लिप आपको देंगे दो चार मिनट की इसके ऊपर, ठीक है, जागा पढ़ते हो गागा पढ़ते हो इस तरह के साउंड से, तो अब ये ग्रीन, इस तरीके से हमारे साउंड जो है आगे हमें प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे वर्ड बनाने हैं। देखिए ये आपका देखें ब्रीड, ब्लीड, हजारों लाखों वर्ड्स बन जाएंगे, हमें प्रैक्टिस करनी है डबल ई के साउंड की, ठीक है। अब हमारा ई और ए का साउंड रह गया, क्लिप हमारी बड़ी हो जाएगी, वो इंशाल्लाह आपको हम नेक्स्ट क्लिप में बताएंगे, ई और ए का साउंड, वो भी डबल ई का साउंड करता है और उसमें एक थोड़ा सा उसमें रूल्स हटके भी होते हैं, वो नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आई थिंक इट हैज़ बीन क्लियर, आपके समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है, समय कमेंट करें, आपको वीडियो हमारी जो है अच्छी लगी उसको आप लाइक करें, आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। ओके, थैंक यू।